ने हमारी मदद की। मैं आपके दरमियान गुलाब ताहिर में कहूंगे की आम दान और शान देखिए, हम 75th ईयर ऑफ और इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस की जा सके कि किस तरह से हमें जो है तिरंगा है इसकी रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह से ये हमारी आस्था व इंस्पायरेशन के लिए जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके लोगों को हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है या प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट की क्या प्रोविजंस हैं, और किस तरह से हमें जो है ये संदेश देता है, डिफरेंट कलर्स हैं तिरंगे में, क्या सिग्निफाई करते हैं वो, हमें किस तरह से इंस्पायर करते हैं। और इसमें आज हमने जो है एक यहाँ काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, यहाँ के सिविलियन आए हुए थे, मुजजान आए हुए थे, प्लस यहाँ पर जो हमारे पुलिस के लोग हैं उन्होंने जो है यहाँ पर एक तिरंगा मार्च किया है पूरे मेंढर टाउन में, और पूरा ध्यान रखा गया उसमें कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ, ट्रैफिक या लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो वो भी पूरा ध्यान रखा गया, और सब लोगों ने बड़े जोर शोर व जोश के साथ इसमें पार्टिसिपेशन की है। खासकर स्कूल के बच्चों ने जो है इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इसमें अभी हम जो है यहाँ पर जो है एक नुक्कड़ नाटक भी करवाने जा रहे हैं यहाँ पर आज ही, और उसमें भी जो डिग्री कॉलेज मेंढर के बच्चे जो हैं बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर नुक्कड़ जो है वो प्ले करेंगे और लोगों को बताएंगे, एक संदेश देंगे कि किस तरह हमें देश के लिए काम करना है, यहाँ के लोगों में भाईचारा किस तरह से मेंटेन करना है, और किस तरह से आन बान शान अपनी जो है वो तिरंगे को समझना है, और अगर हम देश के लिए काम करेंगे तो उसी तरह से जो है ये तिरंगे को अपने आप में एक जो है रिस्पेक्ट होगी हमारी, यही हमारी जो है उसके लिए जो है एक सिंबल ऑफ डेडिकेशन होगी अपनी कंट्री के लिए, अपने तिरंगे के लिए।